आज है संडे और संडे हो और नाश्ता बाहर ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल खाया जाए। एक नहीं, आज हम दो चीज ट्राई करेंगे, एक करेंगे कचौड़ी और एक करेंगे छोले भटूरे। और सो वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली बॉय निखिल। गणेश कचौड़ी आना चाहते हो तो आप बहुत इजीली आ सकते हो। ये है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, आप गेट नंबर 2 से एग्जिट करोगे, देन उसके साथ ही है आपका ये गणेश कॉर्नर। और अगर आप मदर डेयरी की साइड से आ रहे हो तो आपको फिर वापस लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ आना है और देन आपको ये राइट साइड पे दिख जाएगा गणेश कचौड़ी कॉर्नर। पहले शॉप के अंदर सिर्फ भटूरे और कचौड़ी होता था, यहाँ पे टेबल लगी होती थी इस एरिया में, पर पिछले 4 साल बाद मैं आया हूँ यहाँ पे और मैं देख रहा हूँ शॉप काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है। यहाँ पे हर तरीके की आपको मिठाई मिल जाएगी और उससे मैं थोड़ी सी आगे आऊँगा तो आपको यहाँ पे ढोकला ही मिल जाएगा, स्पंज रसगुल्ला ही मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है ये गणेश कॉर्नर। तो उनके ऑनर से मिलते हैं और पूछते हैं कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी और कितना टाइम हो गया इस शॉप को, कितने से कचौड़ी स्टार्ट हुई थी, कितने से भटूरा स्टार्ट हुआ था और आज इसका प्राइस कितना है। हम आ गए हैं गणेश कॉर्नर के ऑनर जी के पास और उनसे पूछते हैं गणेश कॉर्नर को कितने साल हो गए हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। सर आपका नाम? राकेश। सर का नाम है राकेश गुप्ता और सर इसको कितने साल हो गए गणेश कॉर्नर को? 30 साल। 30 साल। तो कैसे स्टार्ट हुआ था? इतना ही बड़ा शॉप था ये, स्टॉल से स्टार्ट हुआ? स्टॉल से स्टार्ट हुआ, सिर्फ कचौड़ी मिलती थी, कचौड़ी छोले भटूरे वगैरह स्टार्ट करे थे। ओके, कचौड़ी और छोले भटूरे से स्टार्ट हुआ था और आज इसको 30 साल हो गए। तो गाइज यहाँ मिलती है कचौड़ी और सेकेंड काउंटर है यहाँ पे जहाँ पे मिलता है गाजर का हलवा, जलेबी। सो मैंने डिसाइड किया है मैं लूंगा एक प्लेट कचौड़ी, एक प्लेट छोला भटूरा। मैं अकेला नहीं खा सकता इसलिए मैं अपने फ्रेंड को भी लेके आया हूँ, मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगा और टेस्ट करके बताऊंगा कैसी है। और मैंने यहाँ पे मुझे बताया कि यहाँ लस्सी बहुत अच्छी मिलती है तो मैं लस्सी भी लूंगा एक और टेस्ट करके आपको बताऊंगा कैसा है। काउंटर पे आना है आपको, कैश काउंटर से पहले स्लिप लेनी है, आपको ऐसी स्लिप मिलेगी और ये आपको अलग अलग काउंटर्स पे देनी है जहाँ लस्सी मिलती है वहाँ लस्सी, जहाँ भटूरे मिलते हैं भटूरे, जहाँ कचौड़ी मिलती है कचौड़ी। ये बन रहे हैं भटूरे गर्मा गर्म भटूरे। छोले यार सही लग रहा है यार, फूला हुआ भटूरा। मेरे भटूरे की प्लेट आ गई है, भटूरा थोड़ा मैंने उंगली मार के फोड़ दिया है जिसमें सारा धुआं निकल गया है। उसके साथ मुझे मिले प्याज, इतने सारे छोले, आलू एंड हरी मिर्च का अचार। तो चलिए मैं अपने उस फ्रेंड से मिलाता हूँ जिसके साथ मैं खाने आया हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत टाइम से हम लोग बेसिकली चाय पार्टनर हैं, चाय वाले दोस्त हैं। तो आज हम दोनों टेस्ट करेंगे और दोनों अपना अपना ओपिनियन देंगे। चलो बिना टाइम इसकी टेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा भटूरा, ये लगा है छोले, ये लिया प्याज और थोड़ा सा आलू है। भटूरा बहुत अच्छे से सिका हुआ है, ठीक है, भटूरे में कोई कमी नहीं है, छोले क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है, बस छोले थोड़े से कम सॉफ्ट है बस, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा है। आप आओगे आपको पक्का टेस्ट आएगा और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 80 रुपीज़। शिवानी कर रही है मेरा वेट, आप खाएंगे हम कचौड़ी। लस्सी भी ले आओ, दो लस्सी दे देना। ये भी अच्छा होता है, बनाने का तरीका भी अच्छा है, मशीन लगी है प्रॉपर। ये कुल्लड़ वाला ग्लास जो है वो ये यूज करते हैं और भैया ऐसा नहीं है कि आपको इनमें से रखी हुई दे देंगे, आपको ताज़ी बना के देंगे। मलाई थोड़ी ज़्यादा डाल देना, मुझे मलाई बहुत पसंद है। ये क्या रोबस्टा? हाँ हाँ हाँ, लाल लाल रोबस्टा लस्सी के ऊपर अलग ही लगता है। लस्सी और कचौड़ी हमारी आ गई है, अब एक कचौड़ी शिवानी खाइए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकता। तो चलिए शिवानी खा सकती है, शिवानी खा सकती है। ये तोड़ते हैं कचौड़ी, तू भी टेस्ट करना। मैं करूंगी गरम में। और ये रही सब्जी, ये रिव्यू से पहले इस बार मैं चाहता हूँ कि शिवानी अपना रिव्यू दे कैसी है कचौड़ी। कचौड़ी बहुत नॉर्मल है जैसी हर जगह होती है वैसी ही है, उसके हिसाब से मुझे हाइप थोड़ी ज़्यादा लगी। 45 रुपीज़ पर प्लेट है, मैंने वो 20-30 रुपीज़ पर प्लेट भी खाया है तो वो
टेस्ट सेम ही है, कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं है। चोरी बहुत सॉफ्ट है, गर्म और फ्रेश है। फ्रेश है, ऐसा नहीं है ठंडी कचौरी है या कड़क कचौरी है, बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, आप इजीली खा सकते हो, ऐसे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कचौड़ी की जो कॉस्ट है एक प्लेट की 45 रुपीज़ है, और लस्सी की भी कॉस्ट 45 रुपीज़ है। कचौड़ी स्टार्ट हुई थी 5 रुपये से, एक 10 रुपये प्लेट, और आज 45 रुपीज़ प्लेट है, आज से 15 साल पहले। तो आई थिंक 15 साल में कुछ बहुत ज़्यादा प्राइजेस में चेंज नहीं आया है। पहले इसे फिनिश करेंगे, फिर लस्सी रिव्यू करके आपको बताएंगे लस्सी कैसे। तो मेरे साथ यहाँ भैया भी कचौड़ी खा रहे हैं। सर आपका नाम? राज। आप दिल्ली से ही हो? नहीं, भागलपुर। अरे भागलपुर से हो, यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हो? रेस्ट कॉर्नर में आई थिंक सेकंड टाइम है। आपको टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट आई मीन हाइप के हिसाब से थोड़ा कम, आई मीन नॉट हाइप के हिसाब से कंपेरेटिवली कचौड़ी छोले भटूरे अच्छे थे। ऑनेस्टली बताऊँ गाइस, मुझे भी छोले भटूरे एज कंपेरेटिवली कचौड़ी बहुत अच्छे लगे। हाँ, बस हाइप के हिसाब से ट्रस्ट भी भैया इज राइट के इतना हाइप है, इतना टेस्ट नहीं है। कचौड़ी फिनिश करता हूँ, कचौड़ी फिनिश करके आपसे मिलता हूँ। कचौड़ी हो गई है हमारी ख़त्म, तो अब हम ट्राई करेंगे लस्सी, जो भी कुल्लड़ में दिए मिट्टी के ग्लास में। नॉर्मल शॉप्स होते हैं वो स्टील के ग्लास में देते हैं या प्लास्टिक ग्लास में देते हैं, फॉर्म के ग्लास में देते हैं, बट उन्होंने मिट्टी ग्लास में दिया, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब दोनों टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं लस्सी कैसी है। चेयर्स। लस्सी इतनी थिक नहीं है, और इसकी क्वांटिटी भी प्राइस के हिसाब से ऑनेस्टली कम है थोड़ी, 50 ml तक तो झाग ही झाग दिखे। लस्सी तो भी स्टार्ट हुई नहीं है, सी क्वांटिटी आई थिंक 150 ml से ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। भटूरे छोले भटूरे टेस्ट किए, तो आप छोले भटूरे को 10 में से कितने मार्क्स दोगे? 10 में से 8 नंबर। सेम, मैं भी छोले भटूरे को 10 में से 8 देना चाहूँगा। कचौड़ी को मैं देना चाहूँगी 10 में से 7 नंबर, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। लस्सी को आप कितने मार्क्स दोगे? लस्सी वैसे मुझे ओवरऑल ठीक लगी, थोड़ी क्वांटिटी उस हिसाब से कम थी और थोड़ी वो पतली थी, लेकिन टेस्ट अच्छा था, तो मैं 9 नंबर देना चाहूँगी। ओके, तो हम लस्सी को देंगे 9, भटूरे को देंगे 8 और कचौड़ी को देंगे 7। लक्ष्मी नगर आ रहे हो तो आपको गणेश कॉर्नरी कचौड़ी भटूरे ज़रूर ट्राई करने हैं। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मेरा भी हौसला बढ़ता है कि यार मैं और कंटेंट बनाऊं और अच्छी अच्छी जगह जाऊं। अगर आपने ये ट्राई किया है तो आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। हाँ, और नहीं ट्राई किया तो आप ट्राई करें, देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नए पॉइंट पे नए टेस्ट के साथ, एंड बूम।